वाले चक तक पा गया। तो कैसे हैं आप लोग? ब्रिंक ब्रिंक गालों पे, ड्रंक ड्रंक आंखों पे, गुस्ताखी माफ चढ़ा प्यार का बुक। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटी घटना के बारे में बताने वाला हूँ जो कि मेरे साथ खुद ही घट गई। तो भाई बात ऐसी है, घर जैसी है, हुआ कुछ ऐसा, मेरे अकाउंट में से कटने से बच गया पैसा। तो भाई घटना ये घटी है कि मेरे पास एक नंबर से कॉलाई नंबर यू था। तो भाई इस नंबर से कॉल आई मेरे पास, कॉल आने के बाद भाई इन्होंने मेरे से कहा कि आपका एटीएम कार्ड 24 आवर्स में आपका एटीएम कार्ड बंद हो जाएगा। मैंने कहा क्यों हो जाएगा बंद? उन्होंने कहा आप हमें थोड़ी डिटेल दे दीजिए और हम आपका एटीएम कार्ड बंद नहीं होने देंगे। तो भाई मैंने कहा कि सर आप हो कौन, कहां से बोल रहे हैं, कौन हो? तो भाई कहने लगे भाई मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमें अपने एटीएम का नंबर बता दीजिए। तो भाई मैं था बाहर उस टाइम, तो भाई मैं 180-90 की स्पीड से अपने घर भागा और आते ही मैंने एटीएम पर हाथ डाला। एटीएम उठाते ही भाई मैंने एटीएम नंबर, उन्होंने कहा एटीएम नंबर बता दो, भाई मैंने एटीएम नंबर अपना बता दिया। ऐसे समझाते जैसे अनपढ़ नाबालिग बच्चे भी समझ जाए। तो कहते हैं भाई ये चार नंबर यहाँ को लिखोगे, ये बता दो, भाई मैंने बता दिया उनको। और उन्होंने कहा पीछे एक तीन अंक का और लिख रहा होगा। तो भाई मैंने कहा मुझे बचाओ, तो भाई मैंने कहा हप। तो भाई उसके बाद मुझे कहने लगे आप हमें बताइए अपने एटीएम कार्ड की एक्सपायरी डेट क्या है। तो भाई मैं समझ गया जरूर कुछ ना कुछ घपड़ चोल्लू है। तो भाई मैंने थोड़ा आजमाया, मैंने उनको जानबूझ के अपनी एक्सपायरी डेट भी बता दी। एक्सपायरी डेट के बाद उन्होंने पूछा पीछे तीन अंक का एक नंबर लिख रहा होगा जो होता है एटीएम कार्ड पे। तो उसके बाद मुझे कन्फर्म हो गया कि भाई ये जरूर फेक नंबर से कॉल है। तो भाई मैं इतना समझ गया। तो भाई इतना समझने के बाद मैंने चूचा चूची कुछ ही नहीं करी, मैंने डायरेक्ट एकदम रेड बटन दबाया और कॉल काट दी। कॉल काटने के बाद भाई उनकी दोबारा बिल्कुल भी कॉल नहीं आई। कॉल काटने के बाद उनकी कॉल बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि मुझे पता था वे पीछे का नंबर पूछ के हमारे पास एक ओटीपी भेजते, ओटीपी भेजने के बाद कर लेते घपड़ चोल्लू अकाउंट में से। तो भाई मैं पहले ही आपको एक बात तो क्लियर कर देता हूँ कि भाई अकाउंट वाले कभी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं लेते, बिल्कुल भी नहीं लेते। यदि लेनी भी हो कॉल करके बैंक में बुला लेते हैं, उसके बाद कहते हैं भाई अपना यो बताइए। वे कभी भी फोन पे पर्सनल इन्फो नहीं लेते। तो भाई अब आपको कैसे बचना है, यदि आपके पास किसी फर्जी नंबर से, फेक नंबर से, किसी भी नंबर से कॉल आती है और वो आपसे बैंक इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, तो भाई आपको बिल्कुल भी नहीं बतानी। यदि बैंक में बुलाते हैं तो भाई समझ जाइए आप बिल्कुल करेक्ट बैंक में से कॉल आ रही है। यदि कोई फेक नंबर से कॉल रहा है, अब आप कहोगे भाई फेक नंबर कैसे बनाते हैं, भाई दुनिया भर की ऐप पड़ी है, प्ले स्टोर पर कोई भी बना लेता है फेक नंबर। व्हाट्स कॉल बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, इससे फेक नंबर ही बनते हैं, कोई कैसा भी नंबर बना सकता है, इंडिया का, यूएसए का, कहीं का भी नंबर बना सकता है। तो भाई आपको बस जैसे मैंने बताया ऐसे ही बचना है, कॉल आए और आपकी एटीएम अगर कोई नंबर भी मांग रहा ना तो भाई आपको वो भी बिल्कुल भी नहीं देना है, नहीं तो घपड़ चोल्लू कर लेते हैं भाई, आपकी बैंड बज जाएंगे, बाजे बज जाएंगे भाई अगर उन्होंने निकाल लिए पैसे। तो भाई जैसे कि मैं, आप अपने घर के आदमी थे, अपने भाई थे, छोटे बड़े जो भी थे भाई, मैंने आपको डिटेल दे दी, जानकारी बता दी, भाई आपको बिल्कुल भी नहीं देना। तो दोस्तों यदि आपके भी पास किसी के पास कॉल आई हो किसी फेक नंबर से और आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन मांग रहा हो तो भाई जरूर मुझे कमेंट में बताएं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक ठोक के शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जरा थोड़ा ध्यान इधर दे के जाएं। एक लड़का एक लड़की के साथ में चिप्स खाता रहता है, तो भाई लड़की उसकी तरफ को प्यार भरी नजरों से देखती है और लड़की कहती है कुछ फील कर रहे हो ना, तो लड़का कहता है हाँ कमीनी तू मेरे से ज्यादा चिप्स खा रही है। नजरों के कट्टे से मारे।